इस पूरी दुनिया में 60 अजूबे हैं, एक वीक में 7 डेज होते हैं, रेनबो में 7 कलर्स होते हैं जिन्हें हम विबग्योल के नाम से भी जानते हैं, ऑल टू ऑल म्यूजिक में भी 60 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा डा नी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये नंबर 7 हर जगह इतना कॉमन क्यों है? ऑल टू ऑल नंबर 7 को सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नंबर भी माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर 10 लोगों से पूछोगे कि उनका फेवरेट नंबर क्या हो है, तो 10 में से 6 से 7 लोगों का आंसर 7 ही होगा। यकीन ना हो तो तुम एक्सपेरिमेंट करके भी पता कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मिस्टिकल नंबर 7 की मिस्ट्री को हिस्टोरिकल वे में सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो अगर हम बात करें नंबर 7 की, तो ये ना हिंदू देखता है, ना मुस्लिम, ना इंडिया, ना फॉलन, ना साइंस, ना मिथोलॉजी, ना भगवान, ना इंसान, ना इंसान, ना जानवर। ये नंबर हर जगह एक स्पेशल नंबर बना ही रहता है, चाहे वो कोई भी जगह हो, इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन ना हो तो हमारे समाज में जब भी किसी लड़की या लड़के की शादी होती है, मतलब किसी लड़के की लड़की से शादी होती है, तो वो उनके 60 फेले लगवाए जाते हैं। हाँ, 60 फेले लगवाए जाते हैं, 60 कस्में वो दोनों खाते हैं और 7 जन्म तक 60 ले रहने का वादा करते हैं। भले ही वो 60 साल भी साथ ना रह पाए, लेकिन वादा 7 जन्म का ही करते हैं। लेकिन 7 जन्म का ही क्यों, 8 जन्म का भी कर सकते थे, 6 जन्म का भी कर सकते थे, लेकिन 60 ही रहता है हमेशा। हमारे पुराणों में भारत के 60 महाशिवलिंगों का वर्णन किया गया है, ऑल टू ऑल 7 महा ऋषियों का भी वर्णन किया गया है, जिन्हें कि हम सप्त ऋषि के नाम से भी जानते हैं, और काफ़ी जगहों पे इन महा ऋषियों की पूजा भी होती है। और अगर हम धार्मिक ग्रंथों की माने तो सूर्य देव 60 घोड़ों वाले रथ पर सवार होते हैं। ऑल टू ऑल धार्मिक ग्रंथों में 60 ऊपरी लोक यानी कि स्वर्ग और 60 निचले लोक का भी वर्णन किया गया है। विवाह संस्कार में 60 परंपराएं को गिना जाता है, जिन्हें कि जप, तप, व्रत, नियम, दान, कर्म एवं सर्वाध्याय कहा जाता है। ये तो हो गया सिर्फ का सिर्फ सनातन धर्म में। इस्लाम धर्म में भी नंबर 7 को बहुत पाक माना जाता है। रिवाजों के अनुसार हज और उमरा के दौरान मक्का में काबा के चारों ओर मुस्लिम तीर्थयात्री 7 चक्कर लगाते हैं। ऊपर से इस्लाम में 7 धरती और 7 आसमानों का भी जिक्र किया गया, जिसमें सबसे ऊपर वाले में अल्लाह रहते हैं। ये वाली थ्योरी हिंदू धर्म के 7 स्वर्ग और 7 निचले लोग वाली थ्योरी से मेल खाती है। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले धर्म ईसाई धर्म की। तो बाइबल में नंबर 7 को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार भगवान को दुनिया का निर्माण करने में 6 दिन लगे थे और फिर 7वें दिन उन्होंने विश्राम भी किया था। शायद इसी कारण क्रिश्चियन धर्म में नंबर 7 को नंबर ऑफ गॉड भी माना जाता है। ऑल टू ऑल बाइबल में 7 चर्चेस का भी वर्णन किया गया है। ये तो हो गई सिर्फ धर्म की बात। अगर तुम ज्योतिष विज्ञान की मानो तो उसमें भी 7 प्लैनेट्स को माना जाता है, जिनका असर हमारे राशिफल पर पड़ता है। और ज्योतिष इन्हीं 7 प्लैनेट्स की स्थिति को देखकर हमारे जीवन की स्थिति बताते हैं। कोई माने या ना माने, लेकिन ये कई मायनों में सही भी साबित होता है। हालांकि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है और 9th वाले यानी कि हमारे प्लूटो भैया कभी आते हैं, कभी जाते हैं, कभी जाते हैं, कभी आते हैं, इनका आना जाना लगा रहता है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं, जिन्हें हम मेडिटेशन के थ्रू एक्टिवेट भी कर सकते हैं। ये तो बात हो गई धर्म, मान्यताएं, ज्योतिष विज्ञान और अब हम बातें करते हैं असल विज्ञान की। तो हमारे अर्थ पे 7 समंदर होते हैं, जिन पर आपने गाना भी सुना होगा, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। और तो और 7 कॉन्टिनेंट भी होते हैं, कॉन्टिनेंट भी 7। रेनबो के अंदर 7 कलर्स होते हैं, जिनका आप कॉन्सेप्ट भी जानते होंगे कि अगर एक प्रिज्म के थ्रू लाइट को पास किया जाए तो ये 7 कलर्स में डिवाइड होता है।
मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। लेकिन ये सेवन कलर्स में ही क्यों डिवाइड होता है और सेवन में ही क्यों होता है? हमारी बॉडी की जो स्किन होती है वो भी सेवन लेयर्स की बनी होती है और हर 7 साल में हमारे माउथ का टेस्ट बड चेंज हो जाता है। इन सब जगहों पर 7 इतना कॉमन क्यों है? नंबर 7 को काफ़ी लोग अपना लकीस्ट नंबर भी मानते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बार एक फेमस मैथमेटिशियन और गार्जियन के लेखक एलेक्स बेलोस नाम के एक व्यक्ति ने अपने वेबसाइट पर बहुत बड़े पैमाने पर एक सर्वे कराया था जिसमें लगभग 44,000 से भी अधिक वोट मिले थे और जिनमें उनसे उनका फेवरेट नंबर पूछा गया था। और आप यकीन नहीं करोगे, इन्फिनाइट नंबर लिस्ट होने के बावजूद भी नंबर 7 को हाईएस्ट वोट मिले थे जो कि 10% से भी ज़्यादा थे। और इतना ही नहीं, फेमस इंडियन क्रिकेटर MS धोनी और फेमस फुटबॉलर मिस्टर रोनाल्डो की जर्सी का नंबर भी 7 ही होता है। मतलब ये 7 नंबर का लक से कुछ ज़्यादा ही लेना देना है, समझे कि नहीं? और एक और कोइंसिडेंस की बात करते हैं कि हमारे इंडिया भी वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू एलिया और लगभग हम सब की पर्सनल लाइफ का भी नंबर 7 से कोई ना कोई लेना देना ज़रूर होता है। एग्जाम्पल के लिए कोई ऐसा मेजर इंसिडेंस जिसका नंबर 7 से कोई रिश्ता हो, जैसे कि मेरा है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 2007 है। जी हाँ, मैं 2007 में ही इस दुनिया में आया था। ऑल टू ऑल मेरी स्कूल लाइफ में जो 7th क्लास का था वो एक साल, वो मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा यादगार और पसंदीदा स्कूल लाइफ का साल था, क्योंकि उस साल में हुई थी कुछ ऐसी घटनाएं जो कि बहुत ही यादगार थी। लेकिन इस पूरी डिस्कशन के बाद भी हमारी सुई वहीं पर आके अटकती है कि आखिर नंबर 7 क्यों है भाई खास? अब तुम में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि नंबर 7 को लेके जो मान्यताएँ हैं वो सिर्फ के सिर्फ मान्यताएँ ही हैं, हकीकत नहीं है, और बाकी के जो साइंटिफिक चीज़ें हैं वो कोइंसिडेंस है। तो उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि भाई मेरे लिए कोइंसिडेंस को हम एक बार या दो बार या फिर 3 बार तो अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ही कोइंसिडेंस बार बार होती जाए तो ये गौर करने की बात होती है। और रही बात मान्यताओं की, तो एक ही नंबर को लेके हर धर्म, हर कास्ट, हर ट्राइब में पॉजिटिव और स्पेशल मान्यताएँ कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल? नंबर 7 का कोई तो कोई ऐसा मिस्ट्री है जो कि हम नहीं जानते। तो आफ्टर ऑल रिसर्च ये रिजल्ट निकलता है कि नंबर 7 दुनिया का सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस नंबर है। इसका दुनिया के हर एक चीज़ से ही सीधे के सीधे कनेक्शन है और इसका लहस्य किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ना ही तो मैं भगवान हूँ और ना ही तुम भगवान हो, हम दोनों ही इंसान हैं। तो नंबर 7 को लेकर अगर कोई ऐसी स्पेशल बात हो जो कि इस वीडियो में मुझे ऐड करनी चाहिए थी लेकिन मैं उसे ऐड नहीं कर पाया या फिर मुझे वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो तुम उस बात को मुझसे कमेंट में भी बता सकते हो और अपनी बात को मुझ तक पहुंचा सकते हो। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तुम इसे अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। फिर हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए इस बात को भी तुम लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। तो ओके, बाय एंड सी यू सून।